देश में जातिगत आरक्षण को खत्म करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर में राजपूत संगठन और करणी सेना के पदाधिकारियों ने सांसद शंकर लालवानी को ज्ञापन सौंपकर जातिगत आरक्षण को खत्म करने की मांग की। ज्ञापन इंदौर व्यू। सामान्य वर्ग के पदाधिकारियों का आरोप है कि पूरे देश में केवल वोट की राजनीति कर रही है। सामान्य वर्ग को छोड़कर सभी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% आरक्षण को भी तोड़कर आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे। लगातार हो रहे भेदभाव को लेकर सामान्य वर्ग के लोगों ने निश्चय किया है कि अगर सामान्य वर्ग के लोगों के वोट की आवश्यकता नहीं है। सामान्य वर्ग के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश की संसद में सामान्य वर्ग आरक्षण का सवाल नहीं उठाया तो आने वाले चुनाव में सामान्य वर्ग संगठित होकर नोटा में वोट डालने पर मजबूर होगा। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि सामान्य वर्ग के पदाधिकारी ज्ञापन के लिए एक साथ मांग रखे हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर ना होते हुए आर्थिक आधार पर किया जाए और इस वर्ग में सभी को आरक्षण दिया जाए। उनकी मांगों को केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। आज राजपूत समाज, करनी सेना और अन्य संगठन, अलग अलग समाजों के लोग मिले थे। उन्होंने अपना ज्ञापन और अपनी मांग रखी है कि जो आरक्षण है वो आरक्षण जाति के आधार पर ना हो, वो आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और जो भी आर्थिक आधार में सभी जाति धर्म के लोग आएँ उनको आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। उसको लेकर उन्होंने मांग की है और उनका है कि हम ये मांग आपसे भी करते हैं और हमारी अपेक्षा है कि केंद्र में जो हमारे सभी सांसद हैं वो भी इस मांग को उठाएं और सरकार भी इस पर विचार करे। उनकी जो मांग है वो हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। संसद जी, आपको लगता है कि हमारी मांग ये है कि जो वर्षों पुरानी जो प्रथा चली आ रही थी, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण लागू किया था जो सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया था, वो आरक्षण धीरे धीरे बढ़ते 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 आज एक राजपूत समाज है, सामान्य वर्ग के सभी समाजों के लिए एक अभिशाप सा बनता जा रहा है। ये स्थिति हो रही है कि आरक्षण के आधार में हमारा समाज, क्या हमारे समाज में गरीब लोग नहीं है? क्या सामान्य वर्ग के अंदर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोग नहीं है? सभी जगह आज स्थिति रहनी है और आरक्षण का वो लोग बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं जो लोग आज सांसद बन चुके हैं, कलेक्टर बन चुके हैं। क्या कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही आरक्षण लेके कलेक्टर ही बनेगा क्या? अगर वास्तविक ज़रूरत है तो आरक्षण के अंदर ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जिस भी कास्ट का हो, जिसको आरक्षण का लाभ मिल चुका है उसको सामान्य वर्ग में लेना चाहिए और उसे आरक्षण से दूर करना चाहिए। वास्तविक ज़रूरत उनको जो गांव में रह रहे हैं, किसान लोग हैं, गरीब जगह पर जी रहे हैं, जो बस्तियों में जी रहे हैं, काकड़ के ऊपर रह रहे हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, जो अपने हाँ जो व्यक्ति दलित हैं, ST SC लोग हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, जो वास्तव में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है। जो लोग विधायक, सांसद, कलेक्टर, SP DSP SDM पटवारी, जितने भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में जिन लोगों को आरक्षण के दम पर वो अपने बन चुके हैं, उन लोगों को आरक्षण से मुक्त किया जाए, वास्तविक में आर्थिक स्थिति पर आरक्षण लागू किया जाए। जिसमें सामान्य वर्ग से हमने सांसद जी से निवेदन किया कि साहब ऐसा तो नहीं कि आपको दलित वर्ग को पिछला वर्ग के वोटों से ही आप चुनाव जीते हैं, क्या सामान्य वर्ग का वोट पानी तो नहीं है? हमारा भी वोट बैंक है, हमारे वोट बैंक का क्या हमारी सुनवाई नहीं होगी? हम भी आपसे, हम किसी समाज का व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने हमारे समाज में भी जो आर्थिक स्थिति कमजोर लोग हैं उनके लिए आरक्षण की मांग करते हैं, आरक्षण आर्थिक स्थिति पर मांग किया जाए। नहीं, हमारी इसमें तैयारी है कि अभी हमने सांसद जी को ज्ञापन दिया है, हर 4 से 5 दिन के अंदर हम एक विधायक के वहाँ पर ज्ञापन देने जाएंगे, 9 विधायक को हमारा ज्ञापन देंगे जिससे उनको समझ में आए कि सामान्य वर्ग भी कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनकी भी ज़रूरतें हैं। एक ही वर्ग के विशेष के वोट से चुनाव नहीं जीता जाएगा और अगर इस लेवल पर अगर हमारा बात को नहीं माना गया तो हम लोग नोटा तो पहले बाद में, पहले हम लोग उन विधायकों, सांसद जो हमारे वोट पर जीत के एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के समाज की मदद कर रहे हैं उनके घर का घेराव करेंगे। आज उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात को संसद में रखूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारी आपकी बात को पहुंचाया जाएगा और शून्यकाल में मैं आपके क्वेश्चन को उठाऊंगा।